सो हेलो एवरीवन एस्पेरेंट्स क्या हाल है स्टूडेंट्स होपफुली सब बढ़िया होंगे और अभी से 2024 की तैयारी में आप लग गए होंगे है ना क्योंकि 2023 का पेपर तो आपने देखा सी सेट का और जिन्होंने दिया उनको तो ज़्यादा ही पता होगा तो आज एक मज़ेदार वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ मैं छोटा सा सेशन होंगे बट बहुत कुछ इंफॉर्मेटिव आपको मिलेगा इसमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है वाई यू पी एस सी सी सेट इज़ सो डिफिकल्ट ये मजेदार जो मेरे पास स्टेटमेंट आई ना वन ऑफ आवर स्टूडेंट आस्क मी सर सी सेट इतना मुश्किल क्यों है और मैं ना मतलब कहाँ क्या बोलूं तो मैं कह मैं कहा मिलेगा आपको जवाब आप देता हूं देखो हुआ क्या जब से 2023 का एग्जाम होना सीसेट का बच्चों के दिमाग में ना एक मतलब थॉट प्रोसेस बन गई है कि सी का एग्जाम तो यार बहुत मुश्किल है जीएस अगर हो भी जाएगा तो हम सी सेट करेंगे कैसे

66. या 67 के के मार्क्स पास होने के। तो क्या सिर्फ मेरी प्रियोरिटी यहां पे ये है। सिर्फ मुझे पास होना है। मुझे काबिल नहीं बनना ट्राई टू मेक सेंस आप लोग अभी सिर्फ क्वालिफिकेशन की रेस में हो मैं आपको उस रेस से बाहर निकालना चाहता हूं मतलब मेरे पास आओ मैं डैम श्योर करूंगा कि आप उन बच्चों की तरह ना बने जो सी के एग्जाम आने के दो महीने पहले डर के बैठे रहे यार कैसे होगा कैसे होगा और कुछ भी नहीं होगा समझो बात को बहुत <coughs> 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 <bohut> सारे स्टूडेंट्स हैं बट यूपीएससी छटनी कर रही है आपको पता होना चाहिए यूपीएससी छटनी कर रही है कैसे कि हमें सिर्फ वो स्टूडेंट चाहिए जो हर तरीके से काबिल हो एक आईएएस बनने के जितनी उसको जीएस अच्छे से आती है उतना ही उसको क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश भी आनी जरूरी है बच्चों के इतने मार्क्स ही नहीं आए इस बार तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगली बार का भी ऐसा पैटर्न हो सकते हैं हुआ तो सो so, क्या आप तैयार हैं उसके लिए सोच के देखो अपने माइंड को स्टेबल रखो क्या आप तैयार हैं आई डोंट थिंक सो आप तैयार हैं बिकॉज़ आपने अभी तक तैयारी शुरू ही नहीं की अगर आप तैयार होते ना आपके दिल में जज्बा है कि मुझे बनना है सो कितने सारे बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे साथ सो आप वहां पे होते है अभी तक, आप नहीं है रीजन क्या है इसका एक डर डर तो नहीं बोलूंगा मैं अगर डर होता तो आपने तैयारी शुरू कर दी होती डर के पार की एक चीज होती है जैसे क्या बोला जाता है आप बताएं क्या बोलते हैं केयरलेस <coughs> कि अपने फ्यूचर के लिए कोई केयर ही नहीं है जब आपको पता है कि अगर ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया ये सतासठ मार्क्स या थर्टी थ्री परसेंट मार्क्स आपके नहीं आए तो क्या होगा आपकी पूरे एक साल की मेहनत खराब होगी आपके माता पिता ने कुछ सपने सजोए हैं वो सपने कहाँ गए हवा में फूल सिर्फ किसी लिए सिर्फ आप लोग पढ़ नहीं पाए मैथ इंग्लिश और रीजनिंग जिसे मैथ एंड मेंटल एबिलिटी बोला जाता है जो प्रॉपर मैथ कौन सा बी एस सी एम एस सी वाला मैथ पढ़ना डेली लाइफ में यूज हो रही हैं समझो इस बात को सारे के सारे क्वेश्चन तो सॉल्व भी नहीं करने हैं ऑप्शन कब यूज करोगे हम आपको यहां पे जब आप हमारे पास आओगे ना हम आपको सॉल्व करना नहीं सिखाते मैम नॉट मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा बिकॉज मैं अगर बात करूं ना 80 परसेंट स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम थी मिनिमम 80 बोल रहा हूं मैं उनको क्वेश्चन ही नहीं समझ आए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है जिन्होंने क्वेश्चन की लैंग्वेज समझी ट्राई किया क्वेश्चन हो गया नंबर सिस्टम के कितने सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिनकी जो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थे अगर वो क्वेश्चन आपको समझ आ जाते तो हो जाता दूसरी गलती क्या की स्टूडेंट्स ने उन्होंने इजी क्वेश्चन क्वेश्चन को नहीं किया। उनका दिमाग खराब कब हो गया? जब उन्होंने देख लिए आपको, <coughs> आपको क्या कह रहा हूं मैं उस ही बाहर लेके चला जाऊंगा आपको मतलब लाखों बच्चे हजारों बच्चे भाग रहे हैं। qualification, qualification की रेस में। आप लोग भागिए हमारी एक अलग रेस होगी हमारी रेस क्या होगी कौन बच्चा 100 प्लस मार्क्स लेके आ सकता है मिनिमम समझ आई बात मेरी रेस अलग है मेरी रेस वो नहीं है कि मुझे आपको क्वालिफिकेशन चेक करवाना ना मेरी रेस क्वालिफिकेशन से आगे है एक बात याद रखना कोई भी एग्जाम हो सिविल सर्विसेज हो या कोई अदर आपका एग्जाम भी हो ना जिसमें प्रीलिम्स और मेंस होता है प्लस इंटरव्यू या प्रीलिम्स अगर मेंस की भी मैं बात करूं डॉक्यूमेंटेशन कोई भी एग्जाम हो अगर प्रीलिम्स में आपका अच्छा स्कोर है ना ड मैटर वो आपका काउंट हो रहा है या नहीं हो रहा तो मेन्स के लिए एक अच्छा बूस्टअप मिलता है आपको आपको एक अच्छा समझने का मौका मिलता है क्योंकि प्री की तैयारी क्या मेन्स की तैयारी के लिए ठीक नहीं है समझते को गिने चुनी चीजें पढ़ के आप इजीली सी सेट करैक कर सकते हो बट अगर सिर्फ सोचने से कुछ होता तो लाखों बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते और क्वालिफिकेशन <coughs> कर चुके होते अभी तक क्यों इतने सारे स्टूडेंट नहीं कर पा रहे रीज़न क्या है वो सिर्फ सोचते रहते हैं और इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते स्टूडेंट समझिए इस बात को और कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो आपको दिमाग से निकालनी पड़ेंगी कि मुझे इस 33 थ्री परसेंट या सिक्सटी सेवन मार्क्स को दिमाग से निकालिए पहले तो आपको नया कुछ करने की कुछ सीखने की ना अपने अंदर आग पैदा करनी होगी अगर मैं बात करूँ ना बेसिकली आपको एक जज्बा चाहिए उसके लिए डिफरेंट माइंड सेट माइंड सेट इज सो इंपॉर्टेंट टू क्लियर यू बी एस सी सी से आप जब मेरे पास आओगे ना मैं आपको उस रेस में दौड़ाऊंगा जहां पे मुझे सौ प्लस मार्क्स लेके चलने हैं मैं नहीं बात करूंगा क्वालिफिकेशन की ताकि जब आप प्रिलिम्स दे के आओ ना एक मुंह पे हंसी हो टेंशन ना हो कि सर अब तो मेंस की तैयारी करेंगे सीधा बिकॉज जब प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं आपके पास आप खतरे के निशान पे होंगे ना कि यार होगा कि नहीं होगा होगा कि नहीं होगा तो मेंस की तैयारी में भी आप फोकस नहीं कर पाएंगे याद रखना मेरी बात मेंस की तैयारी में आप जब फोकस कर पाएंगे जब आपका प्रिलिम्स आपको पता है कि क्लियर हो ही जाना है और वो मैं सिक्योर करूंगा अभी मन्यू सिक्योर करेगा पच्चीस साल का एक्सपीरियंस सिक्योर करेगा कि कैसे आपका सी सेट क्लियर करना है विद मिनिमम 100 प्लस मार्क्स सो so, दिमाग को थोड़ा सा बी फोकस रखना है हमें हमें पता है कि इजी एरिया के साथ ना वो एरियाज पिक करने हैं जो लूज हैं किसके यूपीएससी के हमें वो एरियाज को तो टाइट करना है मतलब उन एरियाज को तो स्ट्रॉन्ग करना है जिससे यूपीएससी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जैसे ही मैं बात करूं नंबर सिस्टम या एलसीएम सी प्लस मुझे उन एरियाज़ पे काम करना है जो उनके वीक पॉइंट्स हैं जैसे अभी आज लेक्चर गया होगा टाइम एंड वर्क का टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन तकरीबन तकरीबन बन जाता है और इजी क्वेश्चन आता है बट बच्चों को लगता है कि टाइम एंड वर्क तो हो जाएगा बट ऐसे नहीं होगा देखिएगा जो आज मैंने चार से पाँच क्वेश्चन डिस्कस किए टॉप फाइव सीरीज़ का जो चल रहा है क्वेश्चन लेवल देखिए क्या है ऑल क्वेश्चन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर सो ये जब चीज़ें इम्प्लीमेंट आप करेंगे ना सो बहुत आगे पहुंच जाएंगे और इजीली आप किरा कर लेंगे बट उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा आपको कुछ अलग करना होगा आपको एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आना होगा कि सर मुझे करना है अटैम्प्ट और मुझे क्लियर करना है इसी बारे में चाहे मेरा पहला अटैम्प्ट चाहे दूसरा अटैम्प्ट है चाहे तीसरा अटैम्प्ट डेंट मैटर बट अभी नहीं तो कभी नहीं ये बात सोच के आइए हमारे पास फिर मैं देखता हूँ आपका सीसेट क्लियर कैसे नहीं होता क्योंकि मॉडर्न क्वेश्चन है हमारे पास मॉडर्न अप्रोच है आप देख ही रहे हैं जो टॉप तो फाइव सीरीज कराता हूँ किस तरह से क्वेश्चन को करवा रहा हूँ मैं मैं कोई फालतू का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करता एक ही कॉन्सेप्ट रहता है अपना रेशो प्रपोशन और परसेंटेज वाला बहुत कम है कि हम एक्स वाई या जेड या वेरिएबल से उसको सॉल्व करें सो so, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बिकॉज यहाँ पे कुछ अलग है और आप अलग करेंगे तो आगे जाएंगे थैंक यू स्टूडेंट्स